Hello, my name is Shubham Rohela and professionally I'm a mechanical engineer along with a proud digital networker. So guys, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मैं अपने व्यूज दूंगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में. सो गाइज, शुरू करते हैं वीडियो को. यस, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है वो अच्छी है अगर आप इसको एक प्लान वे में करते हो, अगर आप इसको एक प्रोफेशनल वे में करते हो, अगर आप इस बिजनेस को एक प्रोफेशनल वे में करते हो. सो इससे जबरदस्त बिजनेस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं. दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट केयरिंग एंड शेयरिंग. इसमें आपका एक अपलाइन होता है जो आपकी केयर करता है, आपसे शेयर करता है, आप फिर शेयर करते हो, सो दैट आपका एक नेटवर्क बन जाता है. ठीक है, नेटवर्क से पैसा आता है आपको. यहां आपको अपने इन्फ्लुएंस की जरूरत है, आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत है, मैं आपको पहले बताऊं. ठीक है, अब अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेडिशनल वे में कर रहे हो तो आप भूल जाओ उस चीज को. ठीक है, क्योंकि अब चीजें चेंज हो रही हैं, अब कोई आपका प्लान देखना नहीं चाहता एकदम. ठीक है, पहले लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं. एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक इंसान, एक पर्सन दूसरे पर्सन से पहले इन्फ्लुएंस होता है, फिर कनेक्ट करता है, तब जाके इंडस्ट्री आती है, तब जाके उसकी कंपनी आती है कि कौन सी कंपनी में वो एक्चुअल है. सो अब मैं एग्जाम्पल लेके चलूँ अपना, अगर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आना होता या फिर एक पढ़ा लिखा बंदा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आएगा, सो वो सबसे पहले क्या देखेगा? सामने जो उसको प्लान बता रहा है, क्या वो इतना कॉन्फिडेंट है उसके, आप क्या उसके अंदर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो कॉन्फिडेंटली बता पा रहा है उसकी कंपनी के बारे में, उसके प्लान के बारे में. सो मैं कुछ ऐसी चीज़ ढूंढूंगा अपने वाले अपलाइन में, अपने मेंटोर में, जहाँ से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिले. ठीक है, पहली चीज़ तो ये मैं ऐसे करूँगा, पता नहीं आप लोग कैसे करोगे, बट मैंने उस टाइम भी ऐसे किया था. मैंने अपनी टीम इस तरह से चूज करी थी कि जहाँ खाली मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का ही स्किल्स ना मिले, और भी बहुत सारी स्किल्स मुझे चाहिए थी. बहुत सारे ऑप्शन थे मेरे टाइम जब मैं इस बिजनेस में आने वाला था, बहुत सारे ऑप्शन थे मेरे पास, बट यस, आई फील प्राउड दैट आई चूज अ राइट टीम एंड अ राइट प्लेटफॉर्म. सो वापस बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की. ये केयरिंग एंड शेयरिंग का बिजनेस है. ठीक है, अब अगर इस इंडस्ट्री में, अगर इस बिजनेस में आपको स्ट्रेस फील हो रहा है या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सो दो रीजंस हो सकते हैं. या तो आपने टीम गलत चूज कर ली है या फिर आपने कंपनी चूज गलत कर ली है. क्योंकि ये इंडस्ट्री तो अच्छी है, ये तो मैं आपको बताता हूँ, पूरे दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ एक बिजनेस पार्टनर दूसरे बिजनेस पार्टनर से ना चिढ़े. मैं बता रहा हूँ आपको, आप कोई भी बिजनेस कर लो, अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप में किया है बिजनेस, तो कहीं ना कहीं वो ये सोचेगा कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू दूसरे वाले से. बट इस इंडस्ट्री में अगर आज मैं किसी का अपलाइन बनता हूँ, तो मैं हमेशा चाहूँगा जो मेरा डाउनलाइन है वो मेरे से ज़्यादा काम करे, क्योंकि वो मुझे पता है अगर वो 100 रुपये कमाएगा तो 1 रुपये मुझे भी दे के जाएगा एज अ पैसिव इनकम. ठीक है, पैसिव इनकम के सोर्स ढूंढना स्टार्ट करो गाइस. मैं बता रहा हूँ आपको, बिजनेस इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बस यू हैव टू डू इज चूज अ राइट टीम, चूज अ राइट मेंटोर, चूज अ राइट प्लेटफॉर्म फॉर द सक्सेस ऑफ योर लाइफ. नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोफेशनल वे में करोगे, फ्रॉड वे में ना करोगे, एक जो पॉलिसीज बना रखी है कंपनी ने, एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे ना, सो डेफिनेटली इसमें आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, आप फन एंड केयरिंग एंड शेयरिंग के साथ बिजनेस करोगे और आपके साथ ना एक नेटवर्क बन जाएगा. ठीक है, सो सबसे पहले पता है आपको काम इसमें क्या करना पड़ेगा? एकदम पैसे के पीछे मत भागो. जब मैंने 1 साल पहले इस बिजनेस में आया था, ठीक है, सब बोलते हैं आपको, सर पहला चेक कितना था, मैं बता रहा हूँ पहला चेक तो मुझे आया ही नहीं. फर्स्ट मंथ में मेरी इनकम 0 थी, क्योंकि मैं पहले टाइम से ही स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर रहा था. मुझे बोलना, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बोलना भी नहीं आता था. ठीक है, कैसे बोलते हैं कैमरे के सामने, कैसे बोलते हैं, कैमरा फियर पहले मैंने हटाया. ठीक है, मैं बहुत डर जाता था, इसमें बता रहा हूँ आपको, कैमरा फियर तो मुझे इतना था 1 साल पहले कि अगर कोई लिख दे और बोल दे मेरे से कि व्हाट इज़ योर नेम या इंट्रोडक्शन दो अपना, सो मैं एक लाइन बोल पाता था कि माय नेम इज शुभम, दैट्स इट. इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता यार. ठीक है, क्योंकि मैं घबरा बहुत ज़्यादा था, बट मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता था एक बंदे को पहले स्किल्स चाहिए, तभी सामने वाले बंदे को वो कुछ बता पाएगा. सो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज गुड. What you have to do is choose a right mentor, choose a right team, choose a right platform, so that आप कहीं ना कहीं daily कुछ ना कुछ सीखो. देखो गाइस, पैसा ही सब कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊँ. आप अगर network marketing business खाली पैसे के हिसाब से करोगे तो आपके दिमाग में ना fraud पंती आना start हो जाएगा, कुछ गलत तरीके आना start हो जाएगा कि मैं गलत तरीके से भी किस तरह से कर सकता हूँ इस चीज़ को. बट पैसे के साथ साथ अगर आप सोचोगे कि मैं as a person grow करूँ, ठीक है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, मुझे अपनी स्पीकिंग पे काम करना है, इस प्लेटफॉर्म पे ना बहुत सारी चीज़ें सीखते हो आप. यू विल बी अ लीडर जब आपकी टीम बन जाएगी. ठीक है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आएगी, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आएगा. सो इसके बाद भी अगर कोई आप और बिजनेस करोगे ना लाइफ में, सो आप कभी ना
बहुत पीछे नहीं रह जाओ, क्योंकि ये बिजनेस आपको ऐसी ऐसी स्किल्स सिखा देगा सो दैट इसके बाद भी अगर कोई बिजनेस आप करते हो सो उसमें सक्सेसफुल होने के रेशो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सो नेटवर्क मार्केटिंग में खाली पैसा ही नहीं मिलेगा आप, बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो मार्केट में आपको पैसों में मिलेगी लेकिन यहाँ आपको फ्री में मिल सकती है। आप अगर एक अच्छी टीम के साथ अगर काम करोगे ना, सो मैं बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल MBA कर सकते हो आप यहाँ पे, बिना पैसे लगाए प्रैक्टिकल MBA आप कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ आप मार्केट में काम किस तरह से होता है, कस्टमर्स के पास प्रोडक्ट किस तरह से पहुंचाया जाता है, कस्टमर से बात किस तरह से की जाती है, कस्टमर अगर कोई ऑब्जेक्शन देता है उसको कैसे हैंडल किया जाता है, तो यू विल ग्रो एज अ पर्सन इन दिस बिजनेस अगर आप एक अच्छी टीम ज्वाइन करते हो तो। सो एट द एंड में यही बोलना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज गुड, केयरिंग एंड शेयरिंग का बिजनेस है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा कल्चर है इस बिजनेस का। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप पॉलिसी वे में करो, कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही सारे काम करो, सो यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी एज वेल एज वेरी वेरी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे आगे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं लेके आने वाला हूँ, बहुत सारी वीडियोज मैंने बना रखी है, मैं अपडेट करता रहूंगा टाइम टू टाइम। एंड यस, इन दिस टेम्पररी वर्ल्ड डू समथिंग परमानेंट फॉर योर सेल्फ as well as for your parents.